हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये बहुत ही सुंदर सी ब्यूटीफुल सी ड्रेस बनाने वाले हैं। ये आप देख पा रहे होंगे इसका लुक। इसमें मैंने दो लेयर बनाई हैं, ये देखिए, एक ये है और एक ये नीचे वाली लेयर है। और फ्रेंड्स, इसके ऊपर मैंने मोतियों का यूज़ किया हुआ है, और ये छोटे फ्लावर्स और ये बड़े वाले रोज़ फ्लावर्स, और ये कुछ गोल्डन मोती, और ये वाइट कलर की मोतियों का यूज़ किया हुआ है। आई होप आप सबको ये ड्रेस बहुत पसंद आएगी फ्रेंड्स। तो ये है इसका फाइनल लुक, देखिए। आप सबको ये ड्रेस कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस ड्रेस को बनाने के लिए हमें इस तरीके के नेट फैब्रिक की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि ये वाइट कलर का है। आप किसी भी कलर का नेट यूज़ कर सकते हैं या सिंपल वाला भी नेट यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने दो पीस कट कर लिए हैं। इनकी लंबाई और चौड़ाई मैं बताती हूँ आपको कि कितनी रखनी है। एक तो ये छोटा पीस कट करना है आपको, लेकिन दोनों की लंबाई जो है वो सेम रहेगी, 54 इंच ही रहेगी। तो देखिए, इसकी लंबाई मैंने 54 इंच रखी हुई है, और इसकी चौड़ाई ये 5.5 इंच है। तो ये हमारा एक पीस हो गया, और इसी तरीके का हमें दूसरा पीस कट करना है। इसकी लंबाई सेम रहेगी 54 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो 9.5 इंच रहेगी। अब हमें स्लीव्स के लिए नेट कट करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने स्लीव्स के लिए दो पीस इस तरीके से कट कर लिए हैं। इसकी लंबाई मैं आपको दिखा रही हूँ कि कितनी रखनी है। इसकी लंबाई आपको रखनी है 10.5 इंच, और इसकी चौड़ाई आप रखेंगे 3.5 इंच। तो इस तरीके की दो स्लीव्स के लिए दो पीस हमने कट कर लिए हैं। और देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके के साटन रिबन की ज़रूरत होगी हमें। अब आगे क्या करना है मैं बताती हूँ आपको। तो फ्रेंड्स, जो बड़ा वाला पीस हमने कट किया था, हमें उसकी आउटलाइन पर इस तरीके से इस रिबन को सिल देना है। इसकी पूरी लंबाई पे सिर्फ एक ही साइड को सिलना है, इस तरफ को नहीं सिलना है। और स्लीव्स को भी इसी तरीके से तैयार कर लेना है। स्लीव्स पे हमें क्या करना है, इस तरीके से एक साइड पे रिबन लगाएंगे और दूसरी साइड पे भी इस तरीके से रिबन लगा लेंगे दोनों स्लीव्स पर। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना वर्क कंप्लीट करके फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी चोली बन के रेडी है। और इस तरीके के नेट फैब्रिक पर दोनों साइड पे हमने रिबन को भी लगा लिया है। ये आप देख पा रहे होंगे। तो आप देखिए चोली पर किस तरीके से इसको सिलना है। ये इसे हम इस तरह से रखेंगे। और सबसे पहले ये जो बड़ा वाला पार्ट था इसका नेट का, सबसे पहले इसे रखेंगे इस तरीके से, और इसके बाद इसे इस तरीके से इसके ऊपर रख करके चोली पर हमें प्लीट्स डालते हुए सिल देना है। तो चलिए, इतना वर्क कंप्लीट करके फिर बताती हूँ क्या करना है।
तो फ्रेंड्स ये चोले को हमने इस घेरे में अटैच कर लिया है प्लीट्स डालते हुए। तो ये कुछ इस तरीके की है, हमारी ड्रेस बनके रेडी है। अभी हमें इस पे डेकोरेशन करना है, तो चलिए इसको डेकोरेट करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये रहा इसका फाइनल लुक, और मैंने इसको फ्लावर और मोतियों से डेकोरेट किया हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे, सो ब्यूटीफुल। आई होप आप सबको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।